भाइयों और बहनों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा। मानवता के हित में शांतिपूर्ण आचरण यह हमारे संस्कारों में है। हमारा देश इसी नीति पर चला है। भारत में हमारी सेना की छवि देश की रक्षा की है तो सारे विश्व में मानवता और शांति के रक्षक की भी है। जब मैं इजराइल जाता हूं तो वहां के नेता मुझे वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें भारत के सिपाहियों ने हाइफा को मुक्त कराया। जब मैं फ्रांस जाता हूं तो वहां का स्मारक विश्व युद्ध के समय भारतीयों के बलिदान की गाथा गाता है। विश्व युद्ध में पूरी मानवता के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीय जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता और विश्व यह भी नहीं भूल सकता कि संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशन में सर्वोच्च बलिदान देने वालों की सबसे बड़ी संख्या भारतीय सैनिकों की ही है। प्राकृतिक आपदाओं में सेना के समर्पण और सेवा की भावना, संवेदनशील भूमिका और जन जन तक पहुंचने की क्षमता ने साल दर साल हर भारतीय का दिल छुआ है। साथियों, हमारे सुरवीर, हमारी पराक्रमी सेना परंपरागत युद्ध में पारंगत है, लेकिन आज पूरा विश्व जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें युद्ध का स्वरूप बदल गया है। आज मानव जात छद्म युद्ध का शिकार है जिसमें आतंकवाद पूरी मानवता को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। अपनी अपनी साजिशों में युद्ध में पराजित कुछ लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज समय की मांग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियां सशस्त्र बलों के साथ समर्थन में खड़ी हो, तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है।